नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेटोलॉजी में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एशिया के इतिहास से है, लेकिन उस विषय पर मैं आऊं उसके पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो नई नई वीडियोस बनती हैं उसकी सूचना मिलती रहे, साथ ही साथ मुझे भी आगे और नई नई वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन आपसे मिलती रहे। तो आइए आज चर्चा करते हैं नेशनल मूवमेंट इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया या जिसे हिंदेशिया भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। स्पेशली ये वीडियो मैं PCS मेंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, और दूसरे जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में एशियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो एशियन हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभप्रद होगा। इंडोनेशिया या हिंदेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, और ढेर सारे इसमें लगभग करीब 3000 द्वीप हैं, जो कि काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में आप कह सकते हैं कि 3000 द्वीप जो हैं वो 3000 मील के दायरे में फैले हुए हैं। ये द्वीप पहले ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते थे, द्वीप समूह कह लीजिए, तो ये द्वीप समूह जो है वो पहले ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते थे, और आगे चल कर के जब साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ तो ये द्वीप हॉलैंड के अधीन हो गए। आजकल इसी क्षेत्र पर इंडोनेशिया का जो गणराज्य है वो स्थित है। अब आइए हम बातचीत करते हैं कि इंडोनेशिया किस तरह से साम्राज्यवाद का शिकार हुआ। तो मित्रों, इंडोनेशिया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो डच साम्राज्यवाद या हॉलैंड जिसे कहते थे, वहाँ के निवासी डच थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और भारत जो है वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा कर लिया, व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज लोग यहाँ पे। तो उसी तरह से आप इसे भी समझें कि डच व्यापारी इंडोनेशिया में आए, काफ़ी पहले से आ रहे थे वो भी। सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो ये कि 1592 ईस्वी में डच व्यापारी इंडोनेशिया में आए, और 1602 ईस्वी में उन्होंने व्यापार के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी उन्होंने स्थापना की। कुछ समय बाद इसने आसपास के जो इलाके थे उस पर अपना अधिकार कर लिया और स्वयं अपनी सरकार बना ली। तो क्योंकि उस समय जो शासक वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, तो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके ये जो यूरोपीय ताकतें थी वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती थी। ऐसे ही इंडोनेशिया में भी हुआ। तो 1796 ईस्वी में लगभग, मतलब जैसे मैंने कहा कि 1592 में आए थे, तो लगभग 200 सालों तक तो चलता रहा व्यापार अपना। इनके बीच में थोड़ा बहुत उन्होंने क्षेत्राधिकार भी कर लिया था। तो 1796 ईस्वी में डच सरकार ने पूरे इंडोनेशिया के ऊपर अधिकार करने की योजना बनाई, और वो इसको आवश्यक समझते थे। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया को पूरी तरह से बिना अपना उपनिवेश बनाए उसका दोहन करना, अच्छी तरह से दोहन करना संभव नहीं था। तो इसीलिए डच सरकार ने इंडोनेशिया पर अपना अधिकार करना आवश्यक समझा। तो इस प्रकार डचों द्वारा इंडोनेशिया पर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। आगे चल करके हम देखते हैं कि यूरोप में राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। जैसा आप देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में
नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन के युद्धों के समय इंग्लैंड का डच उपनिवेशों पर अधिकार हो गया, किंतु वियना कांग्रेस में जब फिर से एक बार क्षेत्रों का बंटवारा होने लगा तो ये उपनिवेश फिर से हॉलैंड को लौटा दिए गए, यानी डचों को लौटा दिए गए। दोस्तों 1871 ईस्वी तक इंडोनेशिया पूरी तरह से डचों के अधिकार में आ गया और यह अधिकार काफ़ी लंबे समय तक बना रहा, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में जापानियों का आक्रमण हुआ इंडोनेशिया पर और इंडोनेशिया पर जापानियों ने अधिकार कर लिया। तो इस तरह से 1871 से लेकर के 1942 तक जो इंडोनेशिया पे डचों का अधिकार पूरी तरह से कायम रहा और डचों ने जम करके उसकी लूट खसोट की। तो डचों द्वारा जो औपनिवेशिक नीति थी वो डचों की जो औपनिवेशिक नीति थी, औपनिवेशिक नीति जैसे आप जानते हैं कि एक देश जो है बिना उसकी मर्जी के किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक दोहन करने लगता है, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने लगता है, तो उसको हम ये कहते हैं कि वो उसको अपनी कॉलोनी बना लेता है क्योंकि वहाँ के लोग उसका विरोध नहीं कर पाते। तो डचों द्वारा प्रयोग में ले आई गई जो औपनिवेशिक नीति थी वही मुख्य रूप से इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म का कारण बनी। जैसे हम अपने भारत के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे भारत में जागृति आती गई, तो उसी तरह से हम इंडोनेशिया में भी देख सकते हैं। तो डचों ने अपने लाभ के लिए इंडोनेशिया का आर्थिक शोषण किया, उन्होंने वहाँ एक आर्थिक शोषण के लिए एक प्रणाली विकसित की जिसे कि कल्चर सिस्टम कहा जाता था। तो ये कल्चर सिस्टम जो है ये काफ़ी समय तक यहाँ लागू रही, लगभग जो है वह आप ये समझिए कि 1830 से लेकर के 1890 ईस्वी तक। तो आर्थिक शोषण ने और इस कल्चर सिस्टम ने राष्ट्रवादी आंदोलन की जो प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तथाकथित जो कल्चर सिस्टम था उसके अंतर्गत डच लोगों ने वहाँ के किसानों से चावल एवं अन्य फसलों की जगह जो नकदी फसलें थी जैसे कि रबड़, गन्ना, चाय, सिंकोना इत्यादि, उसकी खेती करने के लिए वहाँ के किसानों को उन्होंने बाध्य किया, उनको मजबूर किया। तो इससे डच लोगों का तो काफ़ी फायदा होता था, उन्हें काफ़ी लाभ होता था, लेकिन बेचारे जो इंडोनेशिया के जो किसान थे उन्हें कोई लाभ नहीं होता था, बल्कि खाद्यान्नों के अभाव में वो अनेक बार अकाल का, भुखमरी का शिकार हो जाते थे। तो इस तरह से आप अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी जैसे वो नील की खेती कराई जाती थी या और भी जो दूसरे कैश क्रॉप्स उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था, यानी जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया गया था, उसी तरह से इंडोनेशिया में भी वहाँ की कहानी अलग नहीं थी, वहाँ भी जो है वो कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया गया था। बस भारत और इंडोनेशिया में अंतर केवल इतना था कि बस शोषक जो थे वो अलग अलग थे, यहाँ पे अंग्रेज थे भारत में और वहाँ डच थे। 1900 ईस्वी के बाद डचों ने यह समझा कि धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था, तो उनको ये लगा कि अब समय आ गया है कि थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए यहाँ के जो निवासी हैं उनको, नहीं तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो तीव्र होता जाएगा, वो आगे चल करके हिंसक रूप ले लेगा और फिर हमारे लिए उनसे निपटना जो है बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपनी नीति में थोड़ी नरमी बरती, नरमी दिखाई और उन्होंने थोड़ा सुधार वगैरह करने का या वहाँ के जो निवासियों को कुछ छूट देने की योजना बनाई। अतएव इंडोनेशिया में
थोड़े बहुत सुधार किए गए, जैसे शिक्षा में कुछ सुधार किए गए, क्योंकि शिक्षा की दशा जो है वहाँ पे बहुत ही दयनीय थी, तो इसलिए शिक्षा में सुधार किए गए तथा आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी थोड़े बहुत प्रयास किए गए। 1917 ईस्वी में वहाँ पे एक पार्लियामेंट की स्थापना की गई, जिसे वॉक्सराड कहा जाता था वहाँ की भाषा में, और ये जो पार्लियामेंट थी या जो संसद थी, इसमें कुल 39 सदस्य होते थे, जिसमें कि 19 सदस्यों का चुनाव होने का विधान बनाया गया और बाकी 19 सदस्य जो थे वो नामांकित किए जाते थे। अब बचा एक सदस्य, तो एक सदस्य जो है वो डच क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये जो संसद थी या पार्लियामेंट थी, वॉक्सराड जिसे कहते थे, ये एक सलाहकार संस्था थी, परामर्शदात्री संस्था थी, और खास बात ये थी कि इसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। जबकि आजकल आप देखें तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन इस संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। अतएव इससे जो है इंडोनेशिया के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला था। अतएव इस परिवर्तन को वहाँ के लोग जो थे इंडोनेशिया के, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक तरह से आप कह लीजिए वो असंतुष्ट ही रहे वो इस परिवर्तन से वहाँ। क्यों? क्योंकि इस परिवर्तन से इंडोनेशिया के निवासियों का कोई हित नहीं होने वाला था। तो डच वास्तव में इंडोनेशिया को स्थानीय स्वशासन का अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो इससे कतरा रहे थे। उनका उद्देश्य ये था कि इंडोनेशिया की जनता जो है, खास करके जो वहाँ की कृषक जनता है, उसको अपने लाभ के लिए खेती में ही लगाए रखा जाए। और यही कारण था कि वहाँ डचों ने किसी बड़े उद्योग वगैरह का विकास नहीं किया और इंडोनेशिया में कोई बड़ा उद्योग विकसित नहीं हो पाया। तो लोगों की दशा जो है वो बहुत ही दयनीय बनी रही, बहुत ही आर्थिक कष्ट था लोगों को, आर्थिक रूप से शोषण होता था, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो 1930 ईस्वी में शिक्षा नीति को थोड़ा और उदार बनाया गया। इस समय तक इंडोनेशिया में, आप आश्चर्य करेंगे कि 1930 ईस्वी तक इंडोनेशिया में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था और शिक्षा की दशा बहुत ही दयनीय थी। तो इंडोनेशिया, एक तरह से इतिहासकारों ने लिखा है कि इंडोनेशिया जो था वो बौद्धिक भुखमरी का शिकार था। और तो ये जो बौद्धिक भुखमरी थी वो भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण बनी इंडोनेशिया में। मित्रों, डचों ने अरब के लोग रहते थे वहाँ पे इंडोनेशिया में, तो अरबी और चीनी, कुछ चीन के लोग रहते थे, तो अरबी, चीनी और यूरोपीय अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिए, उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की, और इस तरह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने अलगाववाद को इंडोनेशिया में बढ़ावा दिया। विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे प्रोफेसर गरब्रांडी ने एक पुस्तक लिखी इंडोनेशिया। तो इस पुस्तक में उन्होंने डच उपनिवेशवाद जो था उसकी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने इसे एक प्रेशस स्टेट बताया। ये तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वाइट मैन्स बर्डन का एक सिद्धांत प्रचलित था कि वो इधर के जो एशिया, अफ्रीका वगैरह के देश थे, तो उनको वो समझते थे कि अंधकार में डूबे हुए देश हैं और उनको सभ्यता सिखाने का बड़ा ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्रोफेसर गरब्रांडी ने भी अपनी पुस्तक इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का जो उपनिवेश था उसको एक प्रेशस स्टेट कहा। किंतु देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन ने इनके, प्रोफेसर गरब्रांडी के इस कथन को झूठा सिद्ध कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो
केवल शोषण कर रहे थे और उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसके विकास के लिए, उसके प्रगति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो कहा जाता है कि इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ करने में जावा की राजकुमारी रेडन एडजेन कार्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल था, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1911 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने अपने मित्रों को और अपने शुभेक्षुओं को अनेक पत्र लिखे थे, और इन पत्रों में उन्होंने जो इंडोनेशिया की जो गिरी हुई हालत थी, जो गिरी हुई दशा थी, उसका खुलकर के वर्णन किया था। और उन्होंने इंडोनेशिया के लोगों से ये आग्रह किया था कि किसी तरह से जो है वो इंडोनेशिया को यूरोपीय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चंगुल से वो मुक्त करें और यूरोपियों को किसी भी तरह से स्वीकृति न दें उनके शोषण को। इसी तरह से देखिए आगे राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो, चूँकि एक मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, वहाँ की मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो वहाँ के मुसलमानों ने शिरकत इस्लाम नामक एक संस्था, एक संगठन की स्थापना की, और उन्होंने भी सर्वप्रथम जो है इस संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया। तो ये शिरकत इस्लाम तो जैसा कि मैंने बताया, मुसलमानों ने शिरकत इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की और इस दल का उद्देश्य था तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करना और साथ ही साथ जो है इस्लाम का नारा बुलंद करना भी जो है इसका, शिरकत इस्लाम नामक जो संगठन था इसका एक उद्देश्य था। यह तभी संभव था जब स्वयं जिन लोगों ने इस संगठन को बनाया था या जो लोग इस संगठन को आगे ले जाना चाहते थे स्वयं शिक्षित हों, पाश्चात्य शिक्षा उन्होंने ग्रहण की हो, आधुनिक शिक्षा ग्रहण की हो, और इस्लाम में जो तरह तरह के अंधविश्वास इत्यादि प्रचलित थे उन अंधविश्वासों से इस्लाम को बाहर निकाला जाए, तभी जो है ये संभव हो सकता था। तो मित्रों, शिरकत इस्लाम जो था उसने इंडोनेशिया के लिए स्वशासन की मांग की, और जाहिर है कि जो साम्राज्यवादी सरकार थी, उपनिवेशवादी सरकार थी, उसने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया, आते हुए इसने एक आंदोलन छेड़ दिया। किंतु बाद में यह संस्था जो थी शिरकत इस्लाम, इसमें खुद ही विघटन पैदा हो गया और इसकी जो प्रतिष्ठा थी वो धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि इसमें मत मतांतर हो गया, भेदभाव हो गया आपस में ही। 1920 ईस्वी में एक और परिवर्तन आया, इस समय जो है एक और संगठन बनाया गया जिसे बोलते थे पार्टाई कम्युनिस्ट इंडोनेशिया, आप संक्षेप में समझ लें PKI, पार्टाई कम्युनिस्ट इंडोनेशिया। तो ये जो संस्था थी ये 1920 में अस्तित्व में आई, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक कम्युनिस्ट संगठन था। इसने व्यापार और मजदूर यूनियनों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया इस संगठन ने, और जैसे कि कम्युनिस्ट विचारधारा जिस तरह से काम करती है, तो इन्होंने हड़तालों इत्यादि का आयोजन किया, और इस प्रकार डच अधिकारियों से इनका सीधा संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो डच अधिकारियों ने कोई कोताही नहीं बरती और उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, और बलपूर्वक जो है इनके आंदोलन को उन्होंने दबाया। तो मित्रों, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो आंदोलन था वो भी कोई बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। 1927 ईस्वी में एक प्रभावशाली संगठन और बनाया गया, PNI। PNI का मतलब ये था पार्टाई नेशनल इंडोनेशिया। तो ये जो PNI जो संगठन था, ये संगठन डॉक्टर सुकार्नो के नेतृत्व में अस्तित्व में आई, और
हेग के इंडोनेशियाई छात्र संगठन से भी इसका संबंध था और इसने एक विस्तृत मुक्ति आंदोलन प्रारंभ किया जिसमें स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन भी शामिल थे। जैसे कि भारत में आप देखते हैं स्वदेशी आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। स्वदेशी का मतलब यह था कि अपने देश की वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे, उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब ये है कि सरकार के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। तो डचों ने इन आंदोलनों के विरुद्ध बहुत कड़ाई बरती और बहुत बलपूर्वक उन्होंने जो है इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। डॉक्टर सुकार्नो गिरफ्तार कर लिए गए। 1932 में डॉक्टर सुकार्नो को रिहा किया गया और उनके रिहा करने के बाद एक बार इस आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा। तो मित्रों, यह क्रम जापान के द्वारा इंडोनेशिया की विजय तक चलता रहा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने इंडोनेशिया पर विजय कर ली तब तक वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चलते रहे। अपने अपने तरीके से लोग राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे और डच लोग जो है वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। 1939 ईस्वी में बाटाविया में प्रथम अखिल इंडोनेशियाई कांग्रेस का आयोजन किया गया और जिसमें एक सफ़ेद और लाल झंडा को राष्ट्र की एकता का चिन्ह माना गया और एक इंडोनेशियाई संघ की स्थापना की भी मांग उठाई गई। लोगों से अपनी भाषा के इस्तेमाल के लिए कहा गया कि आप अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए, अपने समाचार पत्र निकालिए, तथा ये भी कहा गया कि एक राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान जो है वो भी इंडोनेशिया के लिए बनाया जाए जिससे कि लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ सकें, लोगों में राष्ट्रीय भावना जन्म ले सकें। तो जब जापानी आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डचों ने इंडोनेशिया में जो सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी, सुरक्षा की तैयारियां जो हैं उन्होंने और अधिक कर दी और राष्ट्रवादी जो थे वो नेता उनको बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिया गया। और हॉलैंड पर आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप में भी बहुत तेज युद्ध चल रहा था। जर्मनी और इटली एक तरफ थे, जापान भी उनके साथ शामिल था। तो हॉलैंड पर जब जर्मनी का अधिकार हो गया तो इंडोनेशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो फिर से तेज हो गया और कड़े प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार राष्ट्रीय आंदोलन उग्र होता चला गया। लाचार होकर के जो निर्वासित डच सरकार थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जापान ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया था और डच गवर्नमेंट को उन्होंने निर्वासित कर दिया था, तो लाचार होकर के जो निर्वासित सरकार थी उसने राष्ट्रवादी तत्वों को संतुष्ट करने के लिए शासन व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया इंडोनेशिया की प्रजा को और उन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की जिसे बिस्मान आयोग कहा जाता है। लेकिन इसी समय 1942 में जापान ने जब इंडोनेशिया पे विजय कर ली थी तो ये सारी योजना जो है वो सब बेकार हो गई। जापान ने युद्ध में इंडोनेशिया के लोगों से सहयोग मांगा और उन्होंने ये कहा, इंडोनेशिया के लोगों से वादा किया कि युद्ध के उपरांत जब युद्ध समाप्त होगा तो वो इंडोनेशिया को यूरोपियन शक्तियों से मुक्ति दिला देंगे, यूरोपियन शक्ति यानी कि डचों से मुक्ति दिला देंगे। और जापान ने एक नारा लगाया, जापान का नारा था कि एशिया फॉर एशियंस। तो डॉक्टर सुकार्नो को छोड़ दिया गया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी थे वो दो गुटों में बट गए, उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया। डॉक्टर सुकार्नो और उनके जो साथी थे वो जापान का समर्थन कर रहे थे, वहीं पर डॉक्टर शहरीर और डॉक्टर हट्टा इसका विरोध कर रहे थे। तो जापान ने इंडोनेशिया में सैनिक शासन स्थापित किया
और फिर जापान ने भी जो है वो इसका शोषण प्रारंभ किया। तो अपने आत्मसमर्पण से कुछ समय पूर्व तक जापानियों ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता घोषित करने की अनुमति दे दी। जब हिरोशिमा नागासाकी वगैरह पे बम गिराए गए और उनको मजबूर किया गया जापान को 1945 ईस्वी में कि वो आत्मसमर्पण कर दें, तो इस तरह से जो है इसी समय आप देखते हैं 15 अगस्त 1945 को जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो इसी समय हम देखते हैं कि उसके पहले 7 अगस्त 1945 ईस्वी को डॉक्टर सुकार्नो के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई और युद्ध समाप्त होने के बाद यह योजना बनाई गई थी कि इंडोनेशिया के जो द्वीप मित्र सेनाओं के कब्जे में आए उन्हें हॉलैंड को वापस कर दिया जाए। तो ब्रिटिश अधिकारी ये सब जो समझौते हुए थे वो सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए थे, लेकिन अब इनको पूरा करना संभव नहीं था क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी युद्ध की समाप्ति के बाद इंडोनेशिया पहुँचे, किंतु उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया और इंडोनेशिया या हिंदेशिया के गणराज्य को मान्यता दे दी। डच सरकार यद्यपि इसके खिलाफ थी, इसके विरुद्ध थी, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत उहापोह के बाद इंडोनेशिया एवं हॉलैंड के बीच एक समझौता हुआ जिसे लिंगायती समझौता कहा जाता है, जिसके अनुसार इंडोनेशियाई गणराज्य को मान्यता मिल गई और जावा, सुमात्रा, मदुरा इत्यादि स्थानों में इंडोनेशियाई गणराज्य को मान्यता मिल गई। बोर्नियो और पर थोड़ा सा मतलब एक और स्थान था ग्रेट ईस्ट, तो उसके ऊपर इंडोनेशिया का डचों का अधिकार बना रहा, किंतु इस समझौते से दोनों के मन की बात अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। जून 1949 में प्रधानमंत्री शहरीर ने इस्तीफा दे दिया और सरफुद्दीन ने उसकी जगह नई सरकार का गठन किया इंडोनेशिया में, मतलब वहाँ सरकारें आ रही थी और जा रही थी। तो नई सरकार जो थी उसने कड़ा रुख अपनाया और डचों एवं इंडोनेशिया गणराज्य के बीच में एक बार पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया और बाद में फिर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के प्रयासों के फलस्वरूप 17 जनवरी 1948 को दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई, किंतु यह समझौता जो था वो अस्थायी साबित हुआ और पुनः उनके बीच में संघर्ष छिड़ गया। बाद में अमेरिका के प्रभाव से 27 सितंबर 1949 को डचों ने एक औपचारिक समारोह में इंडोनेशिया को पूर्ण सार्वभौमिकता प्रदान कर दी। तो इस स्वतंत्रता के बाद भी न्यू गिनी और इरियन का प्रश्न अभी भी सुलझना था, क्योंकि बिना इसको सुलझाए इंडोनेशिया की जो स्वतंत्रता थी वह पूर्ण थी। तो इंडोनेशिया में इसको लेकर के बहुत सारे विद्रोह हुए और बहुत सारे आंदोलन हुए। तो अनेक विद्रोहों, आंदोलनों और वार्तालापों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से बंकर प्लान के माध्यम से मई 1964 में इरियन को डचों से मुक्ति दिलाई गई। जैसे अब हमारे यहाँ भारत में आप देखते हैं कि पांडिचेरी से और यहाँ से गोवा से पुर्तगालियों को हटाया गया था, पांडिचेरी से फ्रांसीसियों को, तो उसी तरह से इरियन से इंडोनेशिया में डचों को हटाया गया, उनसे यानी डचों से इंडोनेशिया को मुक्ति मिल गई और इस प्रकार से इंडोनेशिया के अधिकार में ये क्षेत्र आ गया। तो इस तरह से लगभग 13 वर्ष बाद जाकर के ये विवाद शांत हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही और उन्होंने इस मामले को सुलझाने में सफलता पाई। तो मित्रों,
इस तरह से इंडोनेशिया आज एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में कायम है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट वगैरह भी अवश्य दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।